रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम। सभी देश वासियों को रामलला के विराजमान होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, और आपसे विनती है ख़ास तौर से विद्यार्थियों से कि आप अपनी परीक्षाओं के समान ज्ञान के लिए जो हमारे देश में श्री रामलला विराजमान हुए हैं 22 जनवरी 2024 को, उसके उपलक्ष्य में 15 जनवरी 2024 से लेकर 23 जनवरी 2024 तक के जो भी न्यूज़पेपर, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, आप संभाल कर अच्छे से रख कर उसको अपने समान ज्ञान में पढ़ने के लिए उपयोग लाइए। उसमें ऐसे बहुत से जनरल नॉलेज जीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में आ सकते हैं, जिनका कि सीधा साधा उत्तर इन 15 जनवरी 2024 से लेकर 23 जनवरी 2024 तक के न्यूज़पेपर में, अखबारों में आपको आसानी से मिल जाएगा। संभाल के रखिए और इसको धरोहर के मानकर और धरोहर की तरह इसको अलमारी में संभाल के रखिए। सब लोग पढ़िए, अवश्य आप अपनी परीक्षाओं में समान ज्ञान के तौर पर इसको ज़रूर उपयोग करने में सफल होंगे। यही एक विनती और अपील है आप सब लोगों से। जय हिंद, जय भारत। चिड़िया लड़ी, चिड़िया लड़ी, हमारी परंपरा असम की शुरू हुई। हाजो गुवाहाटी के पास एक जगह है, वहाँ पर चिड़ियों का खेल होता है, लड़ाई का। और ये खेल असम में जब फसल कटती है, माघ बिहू इसको बोलते हैं, तो चिड़ियों को इसमें लड़ाया जाता है। और चिड़ियाँ ख़ास तौर से बुलबुल लड़ती हैं, और ये परंपरा आज भी वहाँ पर लोग मना रहे हैं। वास्तव में हमारे देश में किस किस तरह की कला कुशलता फसल कटने में, नई फसल को पाने में होती है, ये हमारे देश की एक हर जगह की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रूपरेखा है। और ये चिड़ियाँ लड़ी, ये जो माघ बिहू का जो खेल है, वास्तव में असम की एक अपनी बहुत ही प्राकृतिक कला है, जिसको कि प्रकृति की चिड़ियों के द्वारा हम लोग सब एक दूसरे को लड़ा कर खेलते हैं, खिलाते हैं, और इस नई फसल के काटने में उमंग से झूमते और नाचते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।